आज पाकिस्तान के हालत का तजिया किया जाए, अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान, तो मैं अदलिया को 50% इस चीज का जिम्मेदार समझता हूँ। इस दौर में अगर जस्टिस मुनीर मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला देता, ये 200 केस का फैसला देता, तो यहाँ के वाम इसकी बोटियां नोच कर कौवों को डाल देते। 35 आप पढ़ना चाह रहे थे ना, 35 पे जी जी, क्या पढ़ना चाह रहे सर? अगर ये पेज 35 से मैं पढ़ता हूँ, 33 से तो प्रिलिमिनरीज हैं, चलें ठीक है। 35 से अगर देख लीजिए, इसमें जो पैराग्राफ है उसमें इस, मेरे मुल्क में आज खौफ की फिजा है, मेरा मुल्क में हमें आज जबर की फिजा है, और मुझे ये कहते हुए निदामत महसूस होती है कि अगर आज पाकिस्तान के हालत का तजिया किया जाए और मुख्तलिफ अदारों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, तो मैं 4 अदारों में से अगर उठाऊं, अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान, तो मैं अदलिया को 50% इस चीज का जिम्मेदार समझता हूँ। बाकी 50% आप बाकी तीनों अदारों पर तकसीम कर सकते हैं। अगर जज ये कहे कि हमें कि हाँ ये चोर है, लेकिन हालात इस बात के मुतकाजी थे कि वो चोरी करे, तो फिर वो जज नहीं है। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कि आप इस बात के ऊपर आप मेरी जात के हवाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे ना कभी नौकरी की परवाह रही है और ना ही नौकरी की खातिर मैंने ये ओहदा कबूल किया है। आज इस दौर में अगर जस्टिस मुनीर मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला देता, ये 200 केस का फैसला देता, तो यहाँ के वाम इसकी बोटियां नोच कर कौवों को डाल देते। यहाँ के लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि जस्टिस मुनीर ने इस पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अभी तक लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि असल में हुआ क्या था, और बदकिस्मती है कि जस्टिस मुनीर का किरदार हर कुछ अरसे बाद जिंदा होकर सामने आ जाता है। वो किरदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत वाले किरदार हो, वो किरदार इरशाद हसन खां की सूरत में हो, वो किरदार शेख रियाज की सूरत में हो, वो किरदार मौजूदा दौर की सूरत में हो, ये सब जस्टिस मुनीर के किरदार हैं। क्या बात करते हैं ये जस्टिस मुनीर, जिसने पाकिस्तान की किस्मत का इस अंदाज में सौदा किया कि जनरल अयूब खान की काबीना ने ये वजीर कानून को सौदा करके बैठा। और आपको पता है 1962 के आईन में पहली मर्तबा पाकिस्तान के नाम से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खत्म किया गया, और ये उस वक्त की असेंबली का एजाज जाता है कि उन्होंने पहली करारदाद पेश की कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क के साथ होगा। इरशाद हसन खान, 3 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की खातिर तुमने परवेज मुशर्रफ को सनत जवाज अता की, और फिर इसी तरीके से इस मुल्क की किस्मत साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। मैं आज के दौर की आपके साथ बात करता हूं जो मेरी अपनी जात के साथ पेश आए। मैं अल्लाह को गवाह करके, आप सबको गवाह करके अमानत के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके अपनी माँ को गवाह करके ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस उस वक्त जस्टिस कांसी थे, पूरा नाम अनवर कांसी साहब, और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना देंगे। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है। मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को हर रोज की प्रोसीडिंग कहाँ पे जाती रही है। मुझे ये वजह मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टैट्यूट के मुताबिक इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्यों खत्म किया गया, ताकि वहां पे कोई जज प्रोसीडिंग्स को ना देख सके। आपसे ये बातें मैंने अपनी जान नौकरी की परवाह नहीं की है कि कर ली है, वो इसलिए कि मुझे ये अब आप मुझे एक अश्योरेंस दे दें कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे तो हम आपके रेफरेंस खत्म करवा देंगे। किस रेफरेंस की बात हो रही है?
ये जस्टिस की बात नहीं हो रही। किस रेफरेंस? हम आपके रेफरेंस, ये शौकत अजीज जी की सवाल, एक और रेफरेंस भी था इनके खिलाफ। जी जी, ही वाज देन द सीनियर प्यूनी जज ऑफ द। नहीं, ये रेफरेंस की बात जो हो रही है, रेफरेंस की। इनके पहले तीन रेफरेंस।